हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय डे टू डे लाइफ। मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं मेरी डे टू डे लाइफ, और जिसमें आज मैं आपसे बात करूँगी समर गार्डन के बारे में। और इस बार का 2020 का समर गार्डन एक्चुअली काफ़ी अलग है। तो इस बार का जो हमारा समर गार्डन है वो कैसे अलग है मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली हम अपने गार्डन में 3 बार फ्लावरिंग लेते हैं, एक होती है विंटर, एक स्प्रिंग जो आपको दिखानी है, अभी उसकी फुटेज रखी हुई है, बस एडिट करना रह गया है, और यह है समर जो आजकल चल रही है। और समर फ्लावरिंग के लिए हमें प्लांट्स लगाने होते हैं मार्च में, यानी कि होली के बाद में। और इस बार जब तक प्लांट्स लगाने की बारी आई और जब तक नर्सरी से प्लांट्स लाने की बारी आई, तब तक लॉकडाउन हो चुका था। तो इस बार की जो फ्लावरिंग है वो टोटल ऐसी फ्लावरिंग है जो हमने खुद घर में जो बीज रखे हुए थे या जो बल्ब लगे हुए थे उनसे करी है, इसलिए ये इस बार की फ्लावरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। और जैसे आप लोग बहुत लिखते हैं कि आपका गार्डन बहुत अच्छा है, आप बहुत ध्यान रखते हो, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे गार्डनिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कुछ साल पहले तक मुझे गार्डनिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कई बार ऐसा होता है ना, जब आपके ऊपर आ जाता है तो आप अच्छे से करते हो या आपको करना पड़ता है, तो दिस इज़ दैट। और अब मुझे सारी नॉलेज भी है और हाँ, कर भी पाती हूँ। तो हुआ ये था कि हमारे यहाँ पे एक माली रहता था पहले, और बचपन से मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था गार्डन की चीज़ों से। मतलब हम लोग ऑफिस क्वार्टर्स में रहते थे, वहाँ पे होता है, जगह होती है, आप उसमें ना फूल पत्ती सब्जियाँ सब उगा सकते हैं। मेरी मदर और मेरी सिस्टर उसका ध्यान रखा करते थे, मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा गार्डनिंग में एज सच। अच्छा लगता है यार, सबको फ्लावर्स वगैरह अच्छे लगते हैं, तो बस एक वही वाला टच था। बट शादी हो गया, यहाँ पे भी बहुत से फ्लावर्स होते थे, मैं देखती थी, सब अच्छा लगता है। बट कुछ साल पहले हमारे यहाँ एक माली रहता था, ही लेफ्ट, और उसके बाद में हमारी जो फ्लावरिंग हुई वो थोड़ी सी डिटोरिएट हुई, मतलब बहुत अच्छी नहीं हुई। ओ, आपका बैडमिंटन वाला टाइम हो गया, चलो अभी खेलते हैं। और फिर इसके बाद में हुआ ये कि मुझे अपने हाथ में कमांड लेनी पड़ी। मैंने हर सीज़न के फ्लावर्स को स्टडी किया कि कौन से फ्लावर किस टाइम पे आते हैं, रेगुलर नर्सरी जाना शुरू किया। और शायद यही वजह है कि इस बार समर में हमारे पास में अच्छे फ्लावर्स हैं, इंस्पाइट कि हम नर्सरी नहीं जा पाए और बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाए। तो आइए देखते हैं समर फ्लावरिंग। अब जब हमने विंटर गार्डन शूट किया था तो हमने शुरुआत करी थी बाहर से और हम अंदर की तरफ आए थे। आज मैं आपको बिल्कुल अपने बैकयार्ड से स्टार्ट करा रही हूँ। यहाँ पे एक आम का पेड़ है, छोटा सा आम का पेड़ है, इसमें कुछ कुछ आम है, ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो एक दो आम स्पॉट कर पाएंगे। यहाँ छाया पड़ती है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम नहीं होते, बस कहने के लिए है। और साथ में यहाँ पे कुछ अरवी के पत्ते हैं, इनके हम लोग बरसात में पकौड़े बनाएंगे। इसकी रेसिपी फूड फॉर फूडीज में ऑलरेडी है। पीछे कुछ विंटर फ्लावरिंग के ही फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं एक्चुअली। और इधर नींबू के दो पेड़ हैं और इन पे बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, अभी भी इसमें नींबू के बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं। और नीचे जो आपने ये केली जैसे पत्ते देखे हैं, ये हल्दी के हैं, कच्ची हल्दी के, जिसको कि अगर हमें थोड़ा भी सर्दी जुकाम होता है तो हम इसका दूध पीते हैं। और ये देखिए नींबू के पेड़ पे छोटे छोटे नींबू हैं, अभी ये बहुत बड़े होते हैं साइज में। एक बार मैंने अचार बनाया था नींबू का फूड फॉर फूडीज पे, तो सबने मुझसे पूछा था कि आपने इतने बड़े नींबू कहाँ से लिए हैं। एक्चुअली ये इन पेड़ के ही नींबू थे। और ये कुछ ग्रीन्स हैं, ये एवरग्रीन प्लांट्स हैं, ये ऐसे ही रहते हैं हमेशा। हम लोग सीजनल प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिंकोनियम्स हैं, आपको ये काफी जगह दिखते होंगे, ये ऐसे एवरग्रीन रहते हैं। साथ ही एक ये पोटला का गमला है छोटा सा, ये इसी तरह से गमले में लगा रह गया था और इस बार ये फिर से ब्लूम करने लगा। और पोटला मल्टीप्लाई होता है, मतलब आप एक गमले से ही बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और इन्हें कहते हैं कैलेडियन। इनमें कोई फ्लावर नहीं आता पर ये पत्ते अपने आप में इतने खूबसूरत होते हैं। इनके बल्ब हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं हर साल, थोड़े दिनों में ये पत्ते खराब होने लगेंगे, हम इनके बल्ब निकाल लेंगे और इन्हें फिर से लगाया जाता है होली के बाद में। ये है जर्मेनियम्स, ये मैं विंटर गार्डन के टाइम पे ही लाई थी, इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि समर गार्डनिंग के कुछ प्लांट्स थे जो आ नहीं पाए थे, इस वजह से अभी ये विंटर वाले प्लांट्स हमने लगा रखे हैं। एक दो फूल हैं इन प्लांट्स में और ये इसी तरह से लगे हुए हैं। और यहाँ से हम थोड़ी सी ताकझाक कर रहे हैं, ये मेरे नेबर्स का बैकयार्ड है और उनके भी पेड़ में कुछ कुछ आम है। एक्चुअली यहाँ पे छाया आती है पीछे से, इस वजह से इन पेड़ों में बहुत ज़्यादा आम नहीं हो पाते, अदरवाइज इस बार कॉलोनी में बहुत सारे आम हैं। इनको कहते हैं अडेनियम्स, ये बोनसाई है और इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं पिंक कलर के। और इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, अडेनियम्स को बचाना बहुत मुश्किल था, बहुत ख़राब हुए लोगों के, बट टचवुड हम लोग इसको सेव कर पाए। ये अगेन पोटला के गमले हैं बहुत सारे, और इनमें से कुछ हैं जिन्होंने ब्लूम करना शुरू कर दिया है, कुछ अभी थोड़े दिन बाद ब्लूम करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स हैं इसमें, येलो एंड दिस पिंक इज रियली ब्यूटिफुल। देखिए
और ये सारे गमले ऐसे ही भरे भरे बहुत सुंदर लगते हैं। हम और आगे चलते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा तुलसी का पौधा, साथ में है विनका जिसे हम सदाबहार भी कहते हैं। और सदाबहार में बहुत सारे कलर आते हैं, ये जो कलर है स्पेशली ये सदाबहार हाइब्रिड का है। हर बार हम इन्हें नर्सरी से लाया करते थे हाइब्रिड वाले, जो नॉर्मल वाले विनका होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये पीछे एक सॉक्युलेंट था और ये फिर से एक पोटला का हमने ट्रे बनाया है। देखिए साइड में जो सॉक्युलेंट वाला पीस है, शोपीस, वो बहुत ही सुंदर है। और ये हम फिर से अपने समर फ्लावर्स में आ गए हैं। यहाँ पे पोटला है बहुत सारे, मुझे पोटला एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, छोटा छोटा बहुत ही सुंदर घना घना खिलता है ये। और दो वेराइटी के हैं हमारे पास में। और ये कोचिया है, इसमें कोई फ्लावर नहीं आता है मगर ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये देखिए। और ये एक गमला ही हमने रखा था, उसी में से बहुत सारे बीज बन जाते हैं। और एक ये कैलिडियम की पत्ती इस गमले में आ गई है, किसी तरह बल्ब दबा रह गया होगा, बहुत ही प्यारी लग रही है। नेचर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे हैं कुछ लेटस के पत्ते साइड में, जो आपने रिसेंटली मेरी सैलड रेसिपीज में देखे होंगे। और ये है हमारा एवरग्रीन रोज, देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें। और अब जो मेन फ्लावर होता है दैट इज जीनिया, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं होता क्योंकि एकदम झाड़ी की तरह से उगता है और इसमें कोई स्मेल नहीं होती, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एटलीस्ट ये हमारे गार्डन को बहुत ही कलरफुल बना देता है, ये देखिए। और सुबह सुबह इस पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी, मैं एक अच्छी सी फोटो ले पाई हूँ, मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जीनिया के फ्लावर्स रंग बिरंगे आते हैं और ग्रुप में आते हैं और ये बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। और सुबह सुबह जब इन पर मधुमक्खियाँ घूमती हैं, सुबह सुबह गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप देखिए इन फ्लावर्स की भी कितनी सहन शक्ति है, जो इतनी गर्मी में पूरे दिन धूप को बर्दाश्त करते हैं। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वाले प्लांट हैं मेरे पास में, जैसे कि पपाया। सॉमटाइम का पपाया मैंने इसी पेड़ से तोड़ा था, हालांकि अब इसमें कोई भी फ्रूट नहीं है। और साथ ही इसके पास में ही एक चीकू का पेड़ है। अभी मेरा कैमरा धीरे धीरे वहाँ पर जाएगा, मैं ऊपर मौसम देख रही हूँ, चेंज होने वाला है कुछ। ये देखिए ये चीकू का पेड़ है और इस बार इसमें से बहुत सारे चीकू आए हैं। आप बैकग्राउंड में नॉइसेस सुनिए, कितनी नेचुरल है ना ये चिड़ियों की आवाज़, मुझे बहुत ही सूदिंग लगती है। देखिए बहुत सारी चीकू हैं इस पेड़ में, ये चिड़िया दिन भर ये चीकू खाती हैं, खूब सारे गिरा देती हैं नीचे। और ये एक गमला है, इस प्लांट का नाम है जूही। एक कोने में है, पूरे गार्डन को महका के रखता है, छोटे छोटे फूल आते हैं इस पे। ये एक एवरग्रीन प्लांट है मगर ये गर्मियों में ब्लूम करता है। अब हम घर के बाहर चलते हैं, रास्ते में और कोचिया के थोड़े से गमले रखे हुए हैं। कुछ कुछ गमले तो बहुत ही हेल्दी हैं, जिन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलती है, ये देखिए। ओ, बाहर जाने से पहले ऊपर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको फुटबॉल लिली। और ये बहुत ही मेहनत वाला पौधा होता है, इसके लिए हम इसके बल्ब निकाल के रखेंगे दिवाली के बाद में और इसे बोएंगे हम होली के बाद में। लेकिन ये फ्लावर जब ब्लूम करता है तो ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही ये है लिली, ये बड़ी कॉमन टाइप की लिली है, अभी इसका नाम मैं रिटर्न में दे दूंगी। इसके गमले भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, ये एवरग्रीन है, ऐसे ही घास की तरह से उगते हैं और इस सीज़न में ब्लूम करते हैं, बट ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई आपको ना बुके मिल गया हो लिलीज का। तो अब हम आ चुके हैं अपनी छत पे ऊपर और यहाँ पे ये जीनियाज हैं, ये वो जीनिया हैं जो कि लगने से रह गए हैं और एक ही पॉट में ये बहुत प्यारे हो गए थे। और ये देखिए मैंने अचानक से कट लिया है घर के बाहर, बहुत सारे जीनियाज हैं यहाँ पे भी। और साइड में ये एक बेला का पेड़ है, एक्चुअली एक बेला की हेज है, इसमें कई बेला के पेड़ हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से इसमें फूल आते हैं, खूब महकते हैं। और ये पेड़ हमारे घर के बिल्कुल पास में है, ये गुलमोहर का पेड़ है, इसमें लाल रंग के फूल आते हैं। मैं अपने कुछ वीडियोस छत पे जाके ऊपर उनके इंट्रोज शूट करती हूँ, फूड फॉर फूडीज वाले, तो उसमें आपको पीछे बैकग्राउंड में ये पेड़ दिखेगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको एक अनोखा पेड़ दिखाती हूँ और ये भी बड़ा मज़ेदार है। ये सामने पिंक पिंक फ्लावर जो आप देख रहे हैं और पास से देखेंगे हम इसे तो ये बोगनविलिया है। ट्रस्ट मी गाइस ये बोगनविलिया का पेड़ है, ये बहुत ही बड़ा है और पूरा ऐसे ही पूरे टाइम इसी तरह से फ्लावरिंग देता रहता है, बहुत ही खूबसूरत है। घर हम वापस आ गए हैं और ये सीन मैंने थोड़ी देर बाद शूट किया था,
ये पोटला की एक दूसरी वैरायटी है, थोड़ी सी घनी वाली होती है और ये अच्छे से इस समय ब्लूम कर चुकी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं जो शोर मचाती रहती हैं पूरे दिन। और अब बिल्कुल मौसम बदल चुका था। लगभग 11:30 बजे का टाइम है। जो वीडियो में शूट कर रही थी वो सुबह के 8 बजे थे और अब 8:30 बजे हैं। अब बस बाहर की हवाओं की आवाज़ सुनिए। और बस थोड़ी देर में थी बारिश। और तपती गर्मी के बीच बारिश में सब कुछ और भी सुंदर लगने लगता है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा गार्डन टूर खत्म होता है। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।